यहाँ पे चेक करें व्यू किस तरह का आ रहा है। शादी कबूतर रखे हुए, इनकी कबूतरों का ही व्लॉग बनाएंगे। आप कबूतरों की खिदमत करते हैं? हाँ। क्या क्या देते हैं उनको खाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो यार आज काफ़ी दिनों बाद व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, बहुत बिजी हो गए थे। मंडी वाला व्लॉग जानवर भी ख़रीद लिया है लेकिन उसका व्लॉग अभी तक आया नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेट का बहुत इशू है। तो अभी यह कि व्लॉग ये वाला आज काफ़ी अरसे बाद बन रहा है, तो इसमें चलो अभी हम आए हैं यहाँ पे पानी पे, पानी वगैरह लेने हैं यहाँ पे, चेक करें व्यू किस तरह का आ रहा है। शादे भाई भी बैठे हुए यहाँ पे और ये सामद भाई बैठे हुए, सामद भाई कुछ बोलेंगे। तो बाकी ये चेक करें यार कितना मज़े का व्यू है, कश्मीर तो फिर कश्मीर ही आपको पता है। तो इस तरह के व्यू मिलते हैं यहाँ पे, और ये कोई हम मज़े की मतलब कोई घूमने फिरने या किसी जगह पे नहीं है, मुझे मतलब आपको घर से सुबह सो के उठो तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। चेक करो, ये सामने घर है और सामने इस तरह का व्यू आ रहा होता है। तो यार इमेजिन करें आपके इतना मज़े का व्यू, आपको मतलब सिटी में आपको कहाँ पे किस तरह की जगह कहाँ देखने को मिलेगी। घर से बाहर निकलो तो आगे दूसरी बिल्डिंग होती है या गली होती है बाहर, तो ये चीज़ मिलती है आपको इधर कश्मीर में। तो बाकी ये है कि ये थोड़े दिन ही है, थोड़े दिन बाद फिर वापस वही चीज़ देखने को मिलेगी। व्लॉग में भी आपको पिंडी नज़र आएगा और हमें भी पिंडी देखने को मिलेगा, ये थोड़े अरसे ही हैं तो इसको एंजॉय करते हैं। तो बाकी बैल वगैरह जानवर जो लाया हमने उसकी भी वीडियो बनाऊंगा पूरी। थोड़ा उसका मौसम चेंज हुआ है मेरे ख्याल से, वहाँ से पंजाब के इलाके से इधर आया तो उसका मौसम चेंज हुआ, तो थोड़ा वो बीमार हो गया था। इधर की ज़बान में मेरे ख्याल से उसको कहते हैं टाकू कहते हैं मेरे ख्याल से, तो वो कह रहे उसको वो चीज़ होगी या मतलब ठंडा इसने पानी पिया या क्या चीज़, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा बीमार हो गया। तो बाकी यही है कि चलेंगे उसकी कल थोड़ी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा वो ठीक हो जाए। अभी थोड़ा अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया थोड़ा, तो चलते हैं आज तो उसकी वीडियो भी बनाएंगे। बाकी व्यू एंजॉय करें यार, आप व्यू कितना मज़े का आ रहा है। अभी इसके थोड़े सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ, वो भी व्लॉग में डालूँगा, तो वो चेक करें आप फिलहाल। तो बाकी ये अली भाई बैठे हैं, अली भाई कुछ बोलेंगे आप? नहीं, बैल शैल जो लाया सही है? ठीक है। तो कितने तक पड़ गया बैल? यार रहने दें, ये नहीं बताना व्लॉग में, ये आपने व्लॉग में नहीं बताना हमने कितने का लाया जानवर। बाकी आपकी वीडियो बड़े मजे की आ रही है यार, कुछ बताओ, कुछ व्लॉग में कुछ बोलो ना। कुर्बानी का जानवर सही है? ठीक है। तो उसका व्लॉग व्लॉग बनाए आज? हाँ बना लेते। तो कल उसको लेके चलेगी कहीं? चलते जाएंगे। किधर लेके जाएंगे? कहीं पर। वो तो घास खाता ही नहीं है सारा, उसको जब तक काट के ना लाके तो वो घास नहीं खाता। तो फिर क्या करेंगे? और लेके चलेंगे। ऊँचा बोले ना यार, ऊँचा बोलो। उधर लेके चलेंगे तो। किधर लेके चलेंगे? मेरे साथ बोला चला। उधर ले के चलेंगे और उसको खिलाएंगे। वैसे वो खा नहीं रहा यार, उसको जब तक घास काट के ना दो, काट के देते हैं तो वो खाता है। तो बाकी उसको काट के देंगे तो फिर वो खाता है खाना, इस तरह मतलब खुद नहीं खाता। काट के दे देंगे। और इधर रास्ते भी काफ़ी ख़राब है तो उसको मतलब कहीं लेके भी नहीं जाते, इतना थोड़ी बहुत जगह पर लेके जाते। तो मतलब इस तरह के रास्ते होते हैं, ये नीचे देख सकते हैं आप, इस तरह के रास्ते मतलब उधर आगे भी हैं, तो इस तरह के रास्तों से इनको लेके जाना पड़ता है। तो थोड़ा मुश्किल होता है ये है कि, लेकिन थोड़ा लेके जाएं, आज इसकी वीडियो शीडियो बनाएंगे, थोड़े बहुत मैं क्लिप उसके ऐड कर दूंगा। तो बाकी अभी इनसे पूछते हैं, संदीप भाई कुछ बताएं आप? नहीं। बता दें यार, नहीं। यार थोड़ा बहुत बता देना, जानवर ठीक है ये बता दें बस। ये बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। तो आपका जो जानवर है वो किधर है? वो घर है। उसने खाना शाना खाया सही? खाना खाता है? हाँ। तो आप उसको क्या क्या देते हो खाने में?
भूसा घास और पानी खल वगैरह सब कुछ सही खाता है। बहुत खाता है। अच्छा जानवर है इसका मतलब है ना। तो ये भी शाहजेब भाई है, छोटा भाई है मेरा। तो इधर देखो, ये शर्माया ना करो, ब्लॉग में शर्माया नहीं आया बात, ठीक है? सारे बंदे ब्लॉग बनाते हैं तो उन्हें शर्माया नहीं है। ये देखो, ये समर भी बैठा हुआ है, इसलिए मेरे साथ था उस दिन ब्लॉग में, या उस दिन नहीं आया। थोड़ा ये बदतमीज हो गया, इसको मैं सही करूंगा, बाकी थोड़ी बदतमीजी कर रहा है, लेकिन इसको मैं सही करूंगा। ये अपने मुंह दिखाओ। तो कोई बात नहीं यार, ये भी अपना भाई है, तो मैं भी साथ ना रहा ब्लॉग में, आ जाना आज ब्लॉग में। तो यार इसको भी थोड़ा हम मोटिवेट करेंगे, ब्लॉग में आएगा ये, इसके बाद मेरे साथ आएगा। इसमें शर्माने वाली क्या बात है यार, वीडियो में आ रहे, कोई मसला हो तो बताए बंदा, वीडियो बना रहे। तो ये भी आएगा इसके बाद ब्लॉग में। तो अभी बस ये व्यू चेक करें यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चेक करें यार, सही बोला कि नहीं? किसकी? तो यार ये नीचे चेक करो, शैन पैक नहीं किया रहा अभी, चल ही नहीं, अभी ये चल ही नहीं रहा यार थोड़ा। ये चेक करो यार नीचे, ये देखो यहाँ पे बैल शैल आए हुए, तो यहाँ पे मंडी शंडी लगी हुई है। तो ये है कि व्यू इधर बहुत मज़े के हैं यार, इधर समझो इधर व्यू के अलावा कुछ नहीं है यार। फिल्म नहीं है ना, मैं फिल्म देखा एक भी नहीं है ये ना, बंदा यहाँ पे से व्यू एंजॉय कर रहा है। खोल रिकॉर्ड खोलना छोड़ दे, इसको देख कर दे व्हाट्सएप में कर रहा। इधर बंदा यही है कि बस यार व्यू एंजॉय करे, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब कि घूमने फिरने के स्पॉट बहुत हैं, लेकिन यार एक भी दिन टाइम नहीं मिला कि मैं जाके मतलब कहीं घूम फिर के आऊँ। वैसे एक दिन गया था एयरपोर्ट पे, तो बाकी ये है कि बंदा अपने कामों में इधर इतना मसरूफ हो जाता है कि यहाँ से मतलब समझो कि पिंडी में तो ये है कि बाज़ार, ये बाहर निकलो तो गली के आगे बाज़ार होता है, तो वहाँ से बंदा कोई ना कोई चीज़ ले आता है, कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो यहाँ पर जाना पड़ता है बाज़ार में। फिर बंदे को पता है कि यहाँ पर बाज़ार में चले जाओ तो बाज़ार को चेक करो, यहाँ से इतना रास्ता दूर है, तो यहाँ से आप पता है बाज़ार में चले जाओ तो पूरा दिन समझो वहीं निकल जाता आपका। तो डेली बाज़ार का कोई व्लॉग बना नहीं सकते हम, काफ़ी वगैरह चैलेंज वगैरह रहते थे। क्या कह रहे हैं? बना सकते हो ना, तो आप बनाते क्यों नहीं, आप बनाए ना व्लॉग में। तो ये है कि बाकी ये है कि व्लॉग में वहाँ पे मतलब रोज़ डेली बाज़ार का तो व्लॉग होता नहीं, उधर एक स्पेशल व्लॉग बनाएंगे पूरा बाज़ार में, मतलब जो चीज़ें वह दिखाएँगे। तो ये है कि फिर अभी चैलेंज वगैरह भी काफ़ी रहते हैं, वो भी बनाने थे। तो अभी यही है कि अभी ये बस आज पानी वगैरह लेने आए फिर से, इसका भी आज यही है कि पूरा व्लॉग में आ गए थे, पानी का नहीं बना रहा, सिर्फ यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ। तो इधर व्यूज़ वगैरह मतलब ये चेक करें बस यहाँ पे, व्हाट्सएप कौन कोड लाना, और अभी गोल्डन आ रहा है बस, तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, आपको थोड़ा दिखाएंगे फिर, बाकी अभी थोड़े व्यूज़ इंजॉय करें फिर आगे बात करते हैं। बस यार आज यही कुछ बातें करनी थी थोड़ी बहुत, तो ये बस सीन यही था। तो अभी जाएंगे पानी शानी भरेंगे, तो फिर जाएंगे घर की तरफ, और कल व्लॉग आएगा, कल मेरे ख्याल से व्लॉग बनाऊंगा उसका, बैल का, उसको खाना छाना किस तरह देते हैं, क्या सीन है, आपको भी बताऊंगा मैं किस तरह खाना छाना डालते हैं और उसकी खिदमत कैसे करते हैं। और अभी कुर्बानी है, तो ये है कि आप भी जितनी जानवर की खिदमत करेंगे उतना सवाब होगा, तो लाजमी आप जिस जिसने जानवर लिया वो उसकी खिदमत करो, तो जितना हिम्मत करोगे उतना सवाब होगा आप लोगों को। तो अभी ये है कि, और एक और बात करनी थी कि आजकल आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है यार, इतनी गर्मी हुई है कि जो परिंदे और ये जो बाहर गली में कुत्ते वगैरह होते हैं इनको बहुत प्यास वगैरह और लगती है आजकल। उधर इधर तो थोड़ा बहुत मतलब इन जगहों पर पानी होता है तो वो पी लेते हैं, इधर जैसे पानी इधर भी है तो उधर इस्लामाबाद और पिंडी में उधर पानी मतलब नहीं होता, कहीं पर बहुत कम जगह होती हैं जिधर पानी होता है, लोगों ने अपने घरों के ऊपर रखा होता है। तो अगर मैं उधर होता तो मैं लाजमी ये चीज़ करता। तो ये एक वासिफ निसार की वीडियो आई थी,
तो उसने आपको पूरा वो किया, उसके मैंने रिपोस्ट भी किया, आप भी जाके देखें उसको। तो उसने बताया था कि मतलब आप कैसे उसकी मतलब कर सकते हैं, एक छोटा सा टकोरा ले लें या कुछ ले लें कोई चीज़, तो उसमें पानी डाल के अपनी छत के ऊपर रख लें, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आपको उसका स्वाद आप मतलब जन्नत में अपना एक तरह से अपना सासा बना रहे कोई चीज़ बना रहे, तो ये चीज़ लाजमी किया करें। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो वाली भैया आप कुछ बोले यार, गर्मी बहुत है, आप कुछ बताएं जानवर किस तरह सेफ रखें वहाँ पे, परिंदे वगैरह उनको पानी शानी डालना चाहिए ना? तो आप भी इधर डालते होते हैं, इनने कबूतर रखे हुए हैं, इनके कबूतरों का ही व्लॉग बनाएंगे। आप कबूतरों की खिदमत करते हैं? हाँ। क्या क्या देते हैं उनको खाने के लिए? दाने देने तो दाने वगैरह देते हैं यार, तो उसको ये पहाड़ी जबान में चोग कहते हैं। कोई मसला नहीं होता, ये थोड़ी बहुत मिस्टेक वगैरह होती रहती है बंदे की, जब आप दोस्त बने बोल रहे हो तो ये मिस्टेक वगैरह हो जाती है, इतना इशू नहीं होता। तो यार ये बात कर रहे थे आपके, मतलब आप दो लैंग्वेज बोल रहे हो तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसका इशू नहीं होता। कभी कभी मुझसे भी इस तरह होता है, कोई मतलब लफ्स आगे पीछे हो जाता है, इतना इशू नहीं होता। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती अली, आप बेशक गलत बोलो कोई मसला नहीं, गलत बोल के सीखोगे। तो रास्ते वगैरह रहते हैं, मैं भी बहुत लफ्ज जो होते हैं गलत बोल लेता हूँ, रास्ते लोग हंसते से कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बाकी आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।